हाँ यही है मेरा वर, हाँ यही है मेरा वर। मिथिला क्षेत्र के एक वन में महर्षि यज्ञवल्लक का आश्रम था। यज्ञवल्लक महान तपस्वी, तत्वज्ञानी एवं योगी थे। उनमें कई विलक्षण शक्तियां थीं। एक दिन यज्ञवल्लक ऋषि स्नान करने के पश्चात आचमन कर रहे थे, तभी किसी चील के मुख से छूटकर एक नन्ही चुहिया उनके सामने गिर गई। उसे बहुत चोट लगी थी। महर्षि ने करुणावश उसे उठाकर एक वटपत्र पर रख दिया। फिर शुद्धि हेतु पुनः स्नान आदि करके उन्होंने उस चुहिया को तपोबल के एक रूपवती कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया। वे उसे अपने आश्रम में ले आए और अपनी पत्नी से बोले, आज से यह हमारी कन्या है, यत्न पूर्वक इसमें अपने संस्कार डालो। वह कन्या उस आश्रम में सभी का स्नेह पाकर बड़ी होने लगी। ऋषि ने उसे सभी तरह से शिक्षित करके उच्च संस्कारवती बनाने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे वह कन्या पूर्ण विदुषी एवं सभी प्रकार के गुणों से संपन्न हो गई। एक दिन ऋषि की पत्नी ने कहा, नाथ अपनी कन्या युवा हो रही है, अतः इसके विवाह की व्यवस्था कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि राजस्वाला होने से पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए, अन्यथा वह पितृकुल के पुण्य का सर्वनाश कर डालती है। वैसे भी हमारी कन्या इतनी रूपवती है कि किसी गंधर्व आदि की दृष्टि पड़ गई तो वह उसे भ्रष्ट कर डालेगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। भागवंती, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। हमारी कन्या ज्ञान विवेक और गुणों से परिपूर्ण है। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे माता पिता के कुल पर कलंक लगे। यज्ञवल्लक की पत्नी ने कहा, स्वामी आप तत्वज्ञात हो सकते हैं, योगी भी महान है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु आपको संभवतः कन्या के संबंधों में माता पिता की जिम्मेदारी का ज्ञान नहीं है। जब कन्या युवा हो जाती है तब माता पिता को उसका विवाह कर देना चाहिए, अन्यथा उन्हें पाप का भागीदार बनना पड़ता है। कन्या के दान को विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दान कहा गया है, इसीलिए माता पिता को योग्य वर तलाश कर उसका विवाह उचित आयु में ही कर देना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, मैं शीघ्र ही इस विश्व के सर्वेष्ठ वरों को बुलवाता हूँ। हमारी कन्या जिसे भी पसंद करेगी हम उसी से उसका विवाह कर देंगे। यज्ञवल्लक ने कहा और ध्यानमग्न हो गए। अगले ही दिन यज्ञवल्लक ने मंत्रों द्वारा सूर्य का आह्वान किया। वे सुंदर देव पुरुष के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने पूछा, देव मुझे किस लिए स्मरण किया है? सूर्य देव, ऋषि ने विनम्र स्वर में कहा, मेरी कन्या युवा हो गई है, वह सर्वगुण संपन्न रूपमती एवं सभी शास्त्रों की ज्ञाता है। आप एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, आप उसे वरण करना स्वीकार करें तो मैं उसका कन्या दान करके मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। देव आपने मुझे इस योग्य समझा, ये मेरा सौभाग्य है, किंतु क्या आपकी कन्या भी मुझे वरण करना चाहती है? शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता को कन्या के वर का चयन करने से पूर्व उसकी भी सहमति लेनी चाहिए। ऋषि ने अपनी कन्या को बुलाकर उसकी राय जाननी चाही। कन्या ने कहा, पिताश्री ये तो अत्यंत दहक है, मुझे इसका तीज पसंद नहीं, अतः आप मेरे लिए किसी इनसे भी श्रेष्ठ वर का चयन कीजिए। ऋषि ने सूर्य देव से क्षमा मांगते हुए कहा, देव क्या इस विश्व में आपसे भी श्रेष्ठ कोई है? हाँ मेघ मुझसे अधिक श्रेष्ठ हैं, वे मेरे तेज को ठककर निष्प्रभावी कर देते हैं। ऋषि ने सूर्य को विदा करके मेघ को आमंत्रित किया। उन्होंने कन्या से पूछा, पुत्री क्या यह वर तुम्हें पसंद है? ये मेघराज हैं और सूर्य भी इनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। कन्या ने मेघराज को सर से पांव तक देखते हुए मुंह बनाया, पिताश्री हो सकता है कि गुणों में श्रेष्ठ हो किंतु ये कुरूप हैं,
मुझको इनका काला रंग एवं बेढंगी आकृति जरा भी नहीं भाती। आप इनसे भी अधिक किसी श्रेष्ठ वर का चयन कीजिए। ऋषि ने मेघराज से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनसे भी अधिक श्रेष्ठ पवन हैं, जो उन्हें उड़ाकर दूर दूर तक ढकेल देते हैं। महर्षि यज्ञवल्लक ने तब पवन को आमंत्रित किया। पवन को देखकर कन्या ने कहा, पिताश्री ये तो अत्यंत चंचल हैं। चंचल प्रकृति के नारी पुरुष विश्वसनीय नहीं होते, क्योंकि उनका मन नियंत्रित नहीं रहता। एक तो ये चंचल हैं, दूसरे आवारागर्दी करते रहते हैं। युवतियों के वस्त्रों में समाने वाला, उसके कोमल अंगों को छेड़ छेड़ कर सिहारने वाला और स्नान करती सुंदरियों के वस्त्रों को लेकर भागने वाला, यह पति नहीं हो सकता। इस पर यह क्रोधी भी प्रचंड हैं। जब ये क्रोधित होते हैं तो राक्षसों की भांति गर्जना करते हैं, अत्यंत सांड की तरह प्रत्येक वस्तु को अपनी टक्कर से ध्वस्त कर देते हैं। ऐसे पशु से मैं विवाह नहीं कर सकती। आप मेरे लिए इससे भी अधिक श्रेष्ठ किसी अन्य वर का चयन कीजिए। अपनी कन्या के कटु वचनों से लज्जित ऋषि ने पवन देव से क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा, आपकी कन्या सत्यवक्ता है। सत्य सदा कटु ही होता है, क्योंकि ये कभी किसी चाहन, मान्यताओं और स्वाभिमान के अनुसार नहीं होता। हम देव पुरुष हैं, हम लोगों को सत्यवादी बनाने की शिक्षा देते हैं, तो हमें इतना धैर्यवान होना चाहिए कि सत्य को सहन भी कर सकें। मुझसे भी बलशाली और श्रेष्ठ पर्वत हैं। आप पर्वत को बुलाकर कन्या को दिखलाइए। पवन के चले जाने के पश्चात ऋषि ने पर्वत को बुलाया। ऋषि कन्या ने उसे देखकर कहा, तात ये तो पत्थर की तरह कठोर और निर्मम है। निरंतर होने वाली वृष्टि भी जिसके हृदय पर प्रभाव नहीं डालती, उस पर मेरे नेत्रों के अश्रु का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो मुझ पर गिर भी पड़े तो मैं मर जाऊंगी। आप इनसे भी अधिक श्रेष्ठ वर का चयन कीजिए। ऋषि पूरी प्रकार से झुंझला उठे। उन्होंने विश्व की श्रेष्ठतम देव शक्तियों को बारी बारी से बुलवाया था, परंतु उनकी कन्या को कोई पसंद नहीं आया। संध्या हो आई थी, इसलिए उन्होंने पर्वत देव से क्षमा मांगते हुए उन्हें विदा कर दिया। किंतु विदा से पूर्व उन्होंने पूछा, क्या आपसे भी श्रेष्ठ इस जगत में कोई है? हाँ, पर्वत ने कहा, चूहा मुझसे अधिक श्रेष्ठ है। वह मुझे काट कर अपना निवास बना लेता है। पर्वत चला गया तो ऋषि ने अपनी पत्नी को बुलवाया। उन्होंने कहा, मैंने विश्व के श्रेष्ठ वरों को बुलवाकर अपनी कन्या से मिलवाया है, किंतु वह प्रत्येक में कोई न कोई अवगुण बताकर उसे नापसंद कर देती है। स्वामी, भला अवगुण किसमें नहीं है? उनकी पत्नी ने विस्मय से कहा, जिस समय वह सच्चिदानंद निर्गुण परमात्मा गुणों को व्याप्त करते हैं, उसी क्षण से उसमें गुण अवगुण दोनों व्याप्त होते हैं। देवताओं की तो बात ही अलग है, ईश अवतारों में भी अवगुणों का समावेश रहा है। राम जैसे सर्वगुण संपन्न एवं मर्यादा के कटु पुरुष में भी अवगुण थे, जिन्हें लोग भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। किंतु ये बात इस अज्ञानी कन्या की समझ में नहीं आती। पर्वत ने चूहे को स्वयं से श्रेष्ठ बताया है। जब सूर्य, पवन, मेघ और पर्वत उसे पसंद नहीं आए तो चूहा क्या पसंद आएगा? हो सकता है कि आ जाए, यज्ञवल्लभ की पत्नी ने कहा। आप भूल रहे हैं कि वह जाति की चूहिया है। किंतु उसने संस्कार हमारे प्राप्त किए हैं, यज्ञवल्लभ ने कहा। वह अब एक विदुषी ऋषि कन्या है। निसंदेह वह हमारी पुत्री है, किंतु वह जाति से चूहिया है। प्राकृतिक रूप से जो प्रवृत्ति उसे प्राप्त हुई है, वह हमारी शिक्षा से दबी हुई है। हमने उसे ज्ञान एवं गुणों की शिक्षा दी है। इसे संस्कार समझना हमारी अज्ञानता है। संस्कार के बनने में युगों युगों का समय लगता है। गुणों से उसे दबाया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। ठीक है, कल प्रातः काल यह भी करके देख लेते हैं, यज्ञवल्लक ने कहा और सोने चले गए। अगले दिन प्रातःकाल ऋषि ने मूषक राज गणेश प्रिय को बुलवाया। वह ऋषि कन्या उसे देखते ही रोमांचित हो उठी। उसने सलज्जा स्वर में कहा,
इसे देखकर न जाने क्यों मेरे तन मन में आहत उत्पन्न हो रहा है। अतः यही मेरा वर है, आप इसी से मेरा विवाह कर दीजिए। ऋषि ने मुस्कुराते हुए उसे चुईया बना दिया और गणेश प्रिय के साथ उसका विवाह करके कर्तव्य मुक्त हुए। उनकी विदाई के पश्चात उन्होंने पत्नी से पूछा, क्या नारियां मूर्ख होती हैं? आखिर उनकी रुचि का आधार क्या होता है? उनकी पत्नी ने सलज्जा नेत्रों से कहा, देव, विवाह के लिए अपने वर की पसंद का आधार कई भागों में विभक्त है। इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है। कन्या अपने कुल एवं मान्यताओं के अनुरूप ही अपना वर चाहती है। एक वाणिक पुत्री किसी निर्धन से विवाह कर भी ले तो भी वह विवाह सफल नहीं होगा। इसी प्रकार कोई ऋषि पुत्री किसी राजपुरुष की और कोई राजपुत्री किसी ऋषि कुमार की भार्या बन जाए तो उनके दाम्पत्य में अशांति उत्पन्न हो जाएगी। एक धन के लिए उद्योग करेगा तो दूसरा शक्ति के प्रति आकर्षित होगा। एक ज्ञान को महत्व देगा तो दूसरा शक्ति एवं यश को या धन ऐश्वर्य को। इस मानसिक विरोधाभास के कारण ऐसे दाम्पत्यों की सफलता नहीं के बराबर होती है। हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी कन्या को इसके संस्कारों के अनुरूप पति मिल गया है। संभवतः तुम ठीक कहती हो, ऋषि ने कहा और अपने ध्यान में निमग्न हो गए।